शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं गरियाबंद जिला मुख्यालय के कर्मचारियों ने 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही। एक आक्रोश की भावना है। आज विगत 4 साल ये सरकार जब से आई है, पिछली सरकार जब से आई है, नियमितीकरण को दूर। संविदा कर्मचारी है और हमारे द्वारा पहले भी इस बारे में निश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके द्वारा घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सरकार आने के 10 दिन के बाद हमारे जो संविदा है उनको नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया। 1 साल बाद के लिए कहा गया, परंतु उसके बाद भी नहीं किया गया। अब पुनः चुनाव आने की स्थिति है, परंतु अब तक कोई भी ऐसा कार्यवाही पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हम पुनः हड़ताल पर बैठे हैं ताकि हमारी मांगों को दृष्टिगत करते हुए इसको पूरा किया जाए। संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा जो है अपने 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारे शासन से जो है सभी संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है, जब हड़ताल में हम पहले रहते थे तो अपनी पंडाल में हमारे आके वो जो है 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण के वादे किए थे। आज वादे किए थे, उसके उपरांत जो है सत्ता के लिए घोषणा पत्र में उन्होंने हमारी मांगों को रखा। आज जो है 4 साल बीत गए हैं, केवल जो है विभाग खाली जानकारी ही मंगा रही है, किंतु सरकार द्वारा उचित कदम आज पर्यंत तक जो है उन्होंने नहीं लाया गया है।